हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो वीडियो रहने वाला है PSPCL का 19 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट का रेवेन्यू अकाउंटेंट के पेपर के ऊपर। देखिए, अगर आप YouTube वगैरह सर्च करते हैं, दूसरे चैनल को देखते हैं, तो आपको क्या मिलता है? बैंक की वीडियो मिलती है आपको, SSC के एग्जाम की वीडियो मिलती है, या किसी सिविल सर्विस के एग्जाम की इंटरव्यू सेशन मिलता है। हमारे जो पंजाब स्टेट के एग्जाम है उनका इंटरव्यू सेशन नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि सर, इनका कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा हुआ कैसा रहा नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक नई कोशिश है हमारी तरफ से कि पंजाब के छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक, कोई भी एग्जाम हो, हम उनका एक इंटरव्यू सेशन करेंगे, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर जाकर रेवेन्यू अकाउंटेंट के पेपर के बारे में सर्च करे तो उसे प्रॉपर नॉलेज मिले कि लास्ट ईयर का एग्जाम कैसा रहा। ये एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में हुआ जो 100 मार्क्स का रहा, 2 आवर्स का इसके लिए टाइम दिया गया था, 70 मार्क्स इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड थे और 30 मार्क्स इसमें नॉन सब्जेक्टिव थे। ठीक है, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इनको हमने लगभग 6 घंटे का हमारा पूरा बैच चला, लगभग 3.5 महीने हम लोगों ने इनकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो है तैयारी करवाई। अब हमें ये बताएंगे कि इनका जो एग्ज़ाम था वो कैसा रहा? सर, एग्ज़ाम मेरा बहुत बढ़िया रहा। उद्देश्य 70 क्वेश्चन कमर्स नाल रिलेटेड सी गए, 30 क्वेश्चन की कहने नॉन सब्जेक्टिव सी गए। ठीक है जी। उद्देश्य 10 नंबर दी जीके आई सी, 10 नंबर दी मैथ एंड रीजनिंग आई सी, ते 10 नंबर दी इंग्लिश आई सी। ठीक है। ते सब्जेक्टिव पेपर कैसा रहा आपका? सब्जेक्टिव पेपर भी सर बहुत बढ़िया रहा। उते बीकॉम तक दे जड़े सारे सब्जेक्ट होंदे ने उन्ना विचों ही आया, बाहरों कुछ भी नहीं आया सीगा। ओके, कुछ चैप्टर आप बताएंगे मुझे कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आए, कुछ अगर आपको नॉलेज थोड़ी बहुत याद हो। हां सर, देखो जी, मैं इनकम टैक्स जो बहुत क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन था इनकम टैक्स जो सीगे, 3-4 क्वेश्चन इनकम टैक्स के आपके चैप्टर में से रहे। बाकी जीएसटी जो भी क्वेश्चन पूछे सी उन्होंने, जीएसटी कितने के लगभग? 2-3 क्वेश्चन जीएसटी जो भी आए, 3 के करीब क्वेश्चन जीएसटी के थे। ठीक है। बाकी रेशो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग शो जो भी बहुत क्वेश्चन आए सीगे, अराउंड रेशो और मैनेजमेंट दोनों को मिला के 8-7 क्वेश्चन आए सी, 7-8 क्वेश्चन रेशो एंड मैनेजमेंट के थे लगभग। ये 3 वो चैप्टर हैं जिनमें से सबसे ज्यादा पेपर पूछा गया। ठीक है मैडम, कुछ ऐसा सिलेबस में था कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, लगे कि सिलेबस से बाहर है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं सीगा, बस एवें सी बच्चों नूं लगदा सीगा भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आऊगा, जो कुछ भी नहीं आया हैगा। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा आएगा लेकिन उसमें से नहीं आया, ये एक शॉकिंग बात रही। जो पेपर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आया सी, इस बार कुछ भी नहीं आया। अच्छा, मैडम का ये कहना है कि जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर किए थे उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ज़्यादा पेपर आया था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर कुछ भी पेपर नहीं आया। ठीक है, और मैडम मतलब +2 बेस पे कुछ आया? +2 सर, बीकॉम तो +2 तक था इसी, सारा रेशियो वगैरह सारा +2 जो आया सीगा, मतलब सब बेसिक रहा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा हमारे पास कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करे। अच्छा, ओके, नॉन सब्जेक्टिव के बारे में? नॉन सब्जेक्टिव भी बहुत बढ़िया हो गया सर, करंट अफेयर जीके जो करंट अफेयर जो आए सी 2-3 क्वेश्चन करंट। एक जो भी मेरे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि PSPCL का कोई भी पेपर हो, अभी जैसे LDC का आने वाला है 2 या 3 दिन के बाद, मंडे को मेरे ख्याल में PSPCL LDC का पेपर है, उसमें भी आपको करंट अफेयर कम से कम पिछले 3 महीनों का पढ़ के जाना है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको करंट अफेयर से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और मैडम? और सर, रीजनिंग जो भी सारे बढ़िया क्वेश्चन आए सीगे, जिमें सीरीज ट्रिक क्वेश्चन आया सीगा, मिसिंग करैक्टर आए सीगे, ब्लड रिलेशन आया सीगा। मैं एक चीज़ और, जैसे अमन ने मुझे ऑफलाइन बताया कि इन्होंने जो नॉन सब्जेक्टिव लिखा था उसमें 10 नंबर का रीजनिंग लिखा था, लेकिन इस बार रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी थे, am I right? Yes, sir, मैथमेटिक्स दे सीगे। हाँ जी, कुछ कोई क्वेश्चन याद है? मैथ स्पीड वाला सीगा, डिस्काउंट वाला भी पाया हुआ है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड, ये कुछ चैप्टर थे जिनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी। हाँ। और जीके कोई क्वेश्चन आपको याद हो? जीके डायनेस्टी जो पाया सी सर, एक क्वेश्चन हिस्ट्री की डायनेस्टीज में से आ रहा है। हमने जो पहले इंटरव्यू करी थी PSPCL JEE इलेक्ट्रिकल की, उसमें भी एक क्वेश्चन डायनेस्टी के ऊपर था, और रेवेन्यू अकाउंटेंट में भी एक पेपर में क्वेश्चन जो था वो डायनेस्टीज के ऊपर था। क्लियर जी सर। और इंग्लिश जो सर, एक प्रपोजिशन आई सी, आर्टिकल, सिनोनिम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया सीगा, स्पेल चेक आया सीगा। ओके ओके, इंग्लिश के अंदर हमारे पास स्पेल चेक रहा, बेसिक ग्रामर रहा, सिनोनिम एंटोनिम रहा। जो भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी PSPCL के अलग अलग प्रफॉर्मा के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो JEE का रहा हो, चाहे वो सिविल JEE का रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल JEE का रहा हो, उसमें जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, सबसे ज़्यादा अगर पेपर
इन एग्जाम ऑफ सिलेबस रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू अकाउंटेंट का रहा। इससे पहले जो हमने सिविल का किया, जेई का किया, उनमें बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि हाँ सर कुछ सिलेबस ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन रेवेन्यू अकाउंटेंट में ज़्यादातर जो पेपर था वो आपके बी कॉम की ग्रेजुएट की बुक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट था। मैडम एक चीज़ और मैं आपसे इसमें पूछना चाहता हूँ, आई एम श्योर कि बच्चे भी ये बात जानना चाहते होंगे कि हमारा जो ये रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर हुआ था ये कंप्लीटली आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर था या कुछ हिस्सा इसमें से आपको ग्रेजुएशन से हाई लेवल लगा, ऐसा कुछ था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं सीखा, बीकॉम तक का सारा सिलेबस ही बेसिक। अच्छा, क्या लेवल आप क्या रहेगा, इजी मॉडरेट हाई, क्या लेवल रहेगा? इजी टू मॉडरेट सीखा लेवल। इजी टू मॉडरेट लेवल रहा इसका। कितने आपने नॉन टेक्निकल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल जो अटेम्प्ट किए। 15 क्वेश्चन, 30 में से 15 क्वेश्चन इन्होंने नॉन टेक्निकल यानी कि नॉन सब्जेक्टिव में से टारगेट किए, और उसमें से सब्जेक्टिव में से सब्जेक्टिव जो 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन आपने उसमें से किया, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन इन्होंने सब्जेक्टिव में से किए और 15 से 20 क्वेश्चन जो है इन्होंने नॉन सब्जेक्टिव में से किए। अगर हम कट ऑफ की बात करें और एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगी, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं 62 मार्क्स से लेकर 65 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी, 2 या 4 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कोई बात जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एग्जाम को तैयार करते वक्त आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए? सर, एग्जाम को तैयार करते समय सारे कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए ने, आप बेसिक पढ़ दिया जिवें अकाउंट्स दा प्रीवियस ईयर नूं लेके नहीं चलना चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए ने सारे सब्जेक्ट नूं लेके। मतलब बी कॉम का या कोई भी एग्जाम जो है आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये कह देते हैं, जैसे नेट में आपको बहुत सारे PDFs मिल जाते हैं जिनमें MCQs होते हैं, डायरेक्टली उनको रट्टा मारने से अच्छा है कि आप अपनी जो बी कॉम्स की ग्रेजुएशन की जो किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, अपने कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करिएगा। एम आई राइट सर? यस सर। ठीक है, मैं होप करता हूँ, मैं आप इच्छा करता हूँ, सोचता हूँ कि आपका ये जो हमारा इंटरव्यू सेशन रहेगा तो वो आपके लिए इन फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच। हो गया स्टॉप।